से डबलिन, फर्स्ट डबलिन से टेक ऑफ हुआ, ले ओवर हुआ टर्की में, टर्की इस्तांबुल में, इस्तांबुल इस्तांबुल में कितना टाइम के लिए? अढ़ाई घंटा के लिए, अढ़ाई घंटा के लिए। फिर आया मुंबई, जो कि इंडिया में है, मतलब थereafter just now landed in Kolkata, तो फोर एयरपोर्ट्स इन 24 आवर्स, थ्री कंट्रीज, फोर सिटीज, और कुछ बताए? हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज सैटरडे मॉर्निंग है और आज का जो प्लान है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि अभी निकलने वाले हैं एक नए जगह पे, किसी को पिक करने जाना है। आप लोगों को जल्दी पता चलेगा किसको पिक करने जाएंगे। सुबह का टाइम है, एकदम फ्रेश होकर जल्दी से निकलने वाले हैं, क्योंकि लेट हो चुका है ऑलरेडी हमारा। सुबह उठी है और थोड़ा सा मूड ख़राब है, क्योंकि वो भी बोल रही है कि जाएगी साथ में, लेकिन उसको लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं अकेले ड्राइव करूँगा तो वो अकेले परेशान कर देगी और परेशान हो भी जाएगी। तो जल्दी से ब्लॉग शुरू करते हैं और निकलते हैं, निकल के फिर आप लोगों से बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं, आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। तो जो लोग मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ जाइए एक बार देख लीजिएगा, ये वीडियो पूरा देखने के बाद जाइए। तो उस वीडियो में मैंने दिखाया है साउथ कोलकाता का जो न्यू हैंगआउट प्लेस है उसके बारे में। अभी एक डेढ़ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही न्यू है। आप लोगों को बहुत सारा वीडियोस वगैरह भी मिल जाएगा, बट मैंने जो वीडियो अभी जस्ट लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। समारा बहुत इंजॉय कर रही थी उस पूरे इवनिंग में। अभी ये हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं विश्व बांग्ला गेट के पास, आप लोग को दिख रहा होगा। तो राजरहाट रोड पे है, अभी पहुँचने वाले एयरपोर्ट। तो आप लोगों को बताया नहीं एयरपोर्ट क्यों जा रहा हूँ मैं। आज एयरपोर्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रोहित को पिकअप करना है। रोहित मेरा भाई है और वो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था कुछ दिनों से, नहीं कुछ दिनों से नहीं, अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो गया है। तो अभी आज अराइवल है, तो उसी रिगार्डिंग अभी जा रहे हैं उसको पिक करने, उसके बाद फिर से वापस जाएंगे, वापस जाकर ड्रॉप करना है। तो ऑल टुगेदर आज का दिन जो है वो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। साथ में रहिएगा, मज़े करेंगे साथ में। ये राजाराट का रोड देखिए क्या मस्त मक्खन वाला रोड है। यहाँ पे ड्राइव करने में जो मज़ा आता है शायद कोलकाता का कोई रोड में मज़ा आता होगा। एक तरफ बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ गार्डन ही गार्डन है। इको पार्क आप लोगों को पता होगा, जो अभी एशिया का नंबर वन लार्जेस्ट इको पार्क है वो कोलकाता में ही है। ये आपको लेफ्ट साइड में इको पार्क स्टार्ट हो जाएगा और राइट साइड में सारा आईटी का जो भी ऑफिसेस वगैरह है, आप बोल सकते हैं कोलकाता का सिलिकॉन वैली है ये। तो यहाँ पर जितना भी आईटी का ऑफिस है, इंफोसिस, एचपी, डेलॉयट, जितना भी है सारा यहाँ पर है, TCS। और ये राजाराट का रोड जो है आप 100 चलाओ 200 चलाओ पर आवर, ये अलग ही मज़ा देता है। अभी मैं वैसे तो अभी ट्रैफिक है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 10 बज रहा है, लोग ऑफिस वगैरह जा रहे हैं। मैं एक बार ट्राई करता हूँ 100 का पिकअप उठाने का, आप लोग भी देखिए मज़ा आएगा। अगर आपके पास ढंग का कार है तो आप एकमात्र यही एक रोड है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेन पार्ट यहाँ का, मेन पार्ट राजाराट का भी ये है ना, जो डेवलपमेंट है वो एकदम पीक पे है। एवरी डे, अगर एवरी वीक भी आप बोल सकते हो, एवरी वीक अगर आप आते हो यहाँ तो कुछ ना कुछ न्यू आपको डेवलपमेंट दिखेगा ही। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ ऐसा न्यू ना दिखे। तो यहाँ इतना डेवलप हो रहा है डे बाई डे, बहुत ही अच्छा है, मतलब क्या बोल सकते हैं।
कोलकाता के लिए बहुत ही प्राइड का बात है कि यार डेवलप हो रहा है इस एरिया में, एटलीस्ट इस एरिया में तो हो ही रहा है, बाकी ऑल अक्रॉस द सिटी हो रहा है बट वहाँ स्लो है। बट यार अगर कंपेयर करें राजाराट एरिया से न्यू टाउन एरिया से तो मतलब बात ही नहीं है, यहाँ का डेवलपमेंट एक नंबर है। तो बात कर रहा था मेट्रो का, आप लोगों को पीछे मेट्रो का ये ब्रिज दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये ब्रिज डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑल अक्रॉस द सिटी, साउथ जाएगा, नॉर्थ जाएगा, सारे जगह पे, सेंट्रल में भी जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल मैं जिधर से आ रहा हूँ साउथ कोलकाता से, वहाँ से कुछ दिनों में शायद स्टार्ट होने वाला है मेट्रो का फैसिलिटी। तो ये आप मतलब साउथ से डायरेक्ट अगर आप गरिया कमलगाछी रूबी हॉस्पिटल जो है वहाँ से अगर आप डायरेक्ट आते हो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट या राजाराट बाई मेट्रो आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक कनेक्टिविटी का सुविधा दिया गया है भाई कोलकाता गवर्नमेंट। और व्यूज़ देखिए एक नंबर है, व्यूज़ मतलब व्यूज़ में तो एक नंबर भी नहीं कट सकता है, ऐसा ऐसा व्यू है। किया का यहाँ पे एक शोरूम बना है ज़बरदस्त, दूर से ही लग रहा है कुछ मतलब महा भोकाल है, भोकाल है। हर चीज़ को एकदम मतलब बहुत ही टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों को मतलब अच्छा लगे। एक डेकाथलॉन का शोरूम यहाँ पे खुला है रिसेंटली, ये दिख रहा होगा लोगों को। ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टोर है कोलकाता में, एक तो सॉल्ट लेक में है, ये न्यू टाउन में आ गया इधर एक, और एक है आपको सेंट्रल साइड में एक है पार्क सर्कस के पास, और एक मुझे ठीक आइडिया नहीं है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है नॉलेज, जहाँ तक मुझे, चार स्टोर्स अभी तक है डेकाथलॉन का, उसमें से ये एक है, एक नंबर स्टोर है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो तो ये आपका नंबर वन चॉइस होगा ऑफकोर्स। स्पॉटिफाई पे गाना बजते अचानक से ये गाना प्ले हो गया, गुल्ली माता। ये गाना दो लोगों ने गाया, एक शाद और दूसरा श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल को कौन नहीं जानता है, सारे इंडिया के लोग जानते हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग तो जानते ही हैं। शाद एक नया सिंगर है जो एक मतलब बॉर्न इन मोरक्को, जस्ट मैं सर्च कर रहा था, बहुत ही अच्छा वॉइस क्वालिटी है, टेक्सचर है, मतलब आतिफ, मुझे ऐसा फील हुआ कि आतिफ असलम गा रहा है, बट आतिफ असलम नहीं था, ये शाद सिंगर कोई शाद है, न्यू है, मैं देखा इसको, ये एक आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, मतलब ज़बरदस्त टैलेंट है लड़के में। ये गाना अब सुनिएगा, यूट्यूब में भी देखा कि अवेलेबल है, गुल्ली माता जो रिसेंटली शायद लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, पुराना सॉन्ग नहीं है, नया सॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। ये टेक्सचर है इंडिया, मतलब बोल सकते हैं इंडियन म्यूज़िक और पॉप और आपका अरेबिक, तीनों का मिक्सचर है, ज़बरदस्त सॉन्ग है, एक मतलब पूरा ही पैकेज है। जब भी आप फ्री होंगे ये सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा ये गाना सुनकर। तो अभी मैं एयरपोर्ट के ही बाहर हूँ, पहुँचने ही वाला था तो सोचा चाय पी लेता हूँ बाहर, एक टपड़ी है यहाँ पे, चाय का शॉप है, तो यहाँ पे चाय पी लिया। अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि रोहित बोला कि निकल चुका है बट लगेज के लिए वेट कर रहा है, तो लगेज वो जैसे ही लेगा मुझे कॉल करेगा तो मैं पहुँचूंगा, मैक्सिमम 4-5 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो बेकार में पार्किंग में पार्क करो, 300-400 रुपया पार्किंग चार्ज है, वाई टू वेस्ट मनी। तो अभी सोचा वेट कर लेते हैं बाहर ही, बट एक इशू और है कि मैं मतलब ऐसा जगह पे पार्क किया हूँ, पार्किंग है भी नहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 2-3 मिनट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वो आता है तो आप लोग उससे मिलवाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर आ तो चुके हैं बट रोहित अभी तक बाहर नहीं आया है, तो लगेज के लिए वेट कर रहा है, देखते हैं जब तक पहुँचते हैं अराइवल के गेट पर, अगर आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर से यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा। अभी तक आया नहीं है लगेज, तो एक और राउंड मारना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, एक और राउंड मारेंगे बाहर जाकर फिर से यूटर्न, शायद तब तक आ जाए, लेट्स सी क्या होता है। गार्ड लग की है पूरा, जैसे ही बाहर आए एयरपोर्ट से वैसे ही फोन आया कि लगेज मिल गया, फिर से यूटर्न लेके वापस जाओ 1 किलोमीटर, देखते हैं यूटर्न लेते हैं फिर चलते हैं।
टाइम सही नहीं था, और अगर मतलब 30 सेकंड पहले भी बता देता कि आ गए तो ये होता। खैर कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं जल्दी जल्दी। फिर से स्वागत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि कोलकाता का एयरपोर्ट है। एक राउंड मारे हैं, अभी दूसरा राउंड मार रहे हैं। ये रहा इंडियन फ्लैग, जो कि देखने में लहराता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से एक कूपन लेना है और फिर एंट्री करना है। फिर से एंट्री कर चुके हैं, एक नंबर गेट पे है रोहित बताया, एक नंबर गेट पे। एक नंबर गेट किधर है, किधर है, और दिख गया। Because it's not suspended, but obviously is suspected. No, so suspended. It is not running. No, suspended. I have had a very long journey. A long journey to tha hi, kyunki kahan se start hua tha ye journey? Dublin, Ireland se start hoke. पहले डब्लिन से फिर टर्की से फिर मुंबई से फिर कोलकाता। तो एक्चुअली तो मान के चलिए लास्ट 24 आवर्स में 4 कंट्री घूम कर आया है लड़का। 4 नहीं, 3। अब ये कलकत्ता लेके 3, मतलब इंडिया लेके 3। जाबो चले जा। हाँ तो लॉन्ग जर्नी ऐसे हुआ कि डब्लिन फर्स्ट, डब्लिन से टेक ऑफ हुआ, ले ओवर हुआ टर्की में, टर्की इस्तांबुल में, इस्तांबुल में कितना टाइम के लिए? अढ़ाई घंटा के लिए। फिर आया मुंबई जो कि इंडिया में है, मतलब टचडाउन मुंबई में हुआ। देन देयर आफ्टर जस्ट नाउ लैंडेड इन कोलकाता। तो 4 एयरपोर्ट्स इन 24 आवर्स, 3 कंट्रीज, 4 सिटीज, और कुछ बताए? डब्लिन से टर्की था, टर्किश एयरलाइन, फिर टर्की इस्तांबुल से मुंबई, इंडिगो था। लेकिन इंडिगो में क्या था कि मेरा तो खाना बुक था, लेकिन दूसरा सबका पैसा दे, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट में बेसिकली क्या होता है कि खाना तो फ्री देता ही। हाँ, लेकिन मेरा वाला तो बुक किया हुआ था पहले से, हम बुक कर दिए थे। लेकिन इंडिगो में क्योंकि सस्ता है थोड़ा फ्लाइट, टिकट सस्ता बेच रहा है अभी, तो खाना वो लोग का पे करके चलेगा, कोई बात नहीं। अगर मेरे साइड में एक तो अंकल बैठे थे, वो इंडिया के इस्तांबुल से मुंबई आ रहे थे। अच्छा। तो बोलने लगे कि खाना उना क्यों नहीं दे रहा है फ्री में, मतलब देना चाहिए, सब जगह देता है। तो जाके खाना ऑर्डर किया ही नहीं, वो 2 ब्लैक लेबल ऑर्डर किया, एक पैक 800 रुपया का, 800, 800, 1600 का पी के सो गया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुम समझ नहीं पाया, समझने का जरूरत था। यहाँ पे उनको खाना का जरूरत नहीं था, उनको खुराक का जरूरत था। अच्छा। तो खुराक ये था, खाना के नाम पे वो बोल रहे थे, बट चाहिए था खुराक। तो वो फ्री नहीं था, वो थोड़ा हर्ट कर गया, वो समझना पड़ेगा, वो थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए उसके लिए। सही बात है। तो जैसे ही एंटीक्विटी या रेड लेवल मिला होगा सब कुछ, ब्लैक लेवल सारा प्रॉब्लम। अच्छा, ब्लैक लेवल कोई बात नहीं, रेड लेवल तो चाय पत्ती होता है। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही वो मिला होगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। 2 पैग लगाए, आराम से फिर सो गया। क्या टर्की और क्या मुंबई और क्या कोलकाता, सब बराबर हो गया। हॉर्न चारों तरफ से, हॉर्न इसीलिए वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया है, इसीलिए हॉर्न है। डब्लिन जैसा नहीं है कि शहर कट गए और यहाँ आदमी का नहीं, फुटप्रिंट तो भी नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। यहाँ कोलकाता में जितना लोग है उतना डब्लिन का टोटल पॉपुलेशन नहीं है। तो अभी 25 दिन पूरा मजा आने वाला है रोहित को,
हम लोगों को नहीं, हम लोगों को पता नहीं क्या आएगा, सजा ही होगा शायद। तो अभी अब चलते हैं, समारा का रिएक्शन देखेंगे। समारा का बहुत सारा गिफ्ट आया है, समारा का गिफ्ट आया, जैकेट, चॉकलेट बहुत सारा है, वो अनबॉक्स किया जाएगा। उसका भी एक्सप्रेशन देखेंगे फर्स्ट टाइम कैसा रहता है, क्योंकि अप्रॉक्स वन ईयर के बाद रोहित को देखेंगे तो उसको भी बहुत खुशी होगा। उसको पता नहीं है वैसे कि रोहित आ रहा है, उसको पता नहीं है, मतलब पता है, पता है उसको, छोटा है तो ये तो अभी दिमाग रियलाइज नहीं कर रही है, रियलाइज नहीं कर रही कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, जो सामने मिल गया वही कफ। क्या है, क्या है ये, चॉकलेट किसका है, समारा का जैकेट भी आया है, वाह ठीक है, हैप्पी ये रहा चॉकलेट का मंगूठी, रिंग है, रिंग है, ट्राई कीजिए, अरे वाह ये तो न्यू स्टाइल का, न्यू स्टाइल का चॉकलेट है, लॉलीपॉप, ये क्या है पॉप, कितना सारा पॉप आया है, वन टू, ये तो रेनबो है, ये स्ट्रॉबेरी है, वाह ये आ गया, ये क्या है, स्वीट लॉलीपॉप, पेंसिल का, पेंसिल है ये, खाने का नहीं है, यम्मी यम्मी बस बोल रही है कलरफुल देखकर, ये क्या, वो अच्छा यही वाला वो हाथ में पहनी हुई है, ये जो हाथ में पहनी यही सेम टू सेम है, अच्छा ये है जंगली जेलीज, सब जेली का ही है, हाँ आपका ही है, मेरी चॉकलेट खा रही है ऑलरेडी, मार्शमेलो, मार्शमेलो अच्छा नहीं है, एक और चॉकलेट, ये क्या है, रेजर, जो ऊपर में है सेम टू सेम है, अंदर भी, ये भी, ये क्या है, स्केच पेन है, ये भी, ये क्या है, स्केच पेन,